तुम्हें बताओ तेरा क्या मन है। मेरा मन तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। और भाई आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि मस्त नींद आई थी रात को, क्योंकि रात में इतनी बारिश भी नहीं हुई थी। लेकिन अभी मौसम फिर से बिगड़ गया है सुबह सुबह का। लेकिन कुछ पहाड़ दिख रहे हैं सामने के जो कल नहीं दिख रहे थे। तो थोड़ी सी बारिश आई थी रात में, तो उससे थोड़ा सा टेंट गीला हो गया ऊपर से, बाकी तो सब सॉर्टेड है। और लेकिन लग रहा है कि दोबारा बारिश आ सकती है शायद। और फिलहाल अभी हम कर रहे हैं एग बॉईल, ठीक है, अंडे उबाल रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। लेकिन कुछ भी बोले यार, नज़ारे एक नंबर है यार, यहाँ के एक नंबर, खतरनाक, मतलब वर्थ है यार ये जगह पे आना, बहुत ज़्यादा वर्थ है। ठीक है, थोड़ा दूर है दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, एक नंबर है। और ख़ासकर जो मैंने कार कैंपिंग करी थी, हालांकि अगर आप सेफ्टी पर्पज से देखें तो यहाँ पे आप कैंप भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कार कैंपिंग ही करनी है, नॉर्मल कैंप लगाइए। और ऐसी कोई सीन नहीं है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लोकल्स से पता किया था, तो कोई ऐसा जानवरों का कोई डर नहीं है। उसके बाद देखते हैं कुछ खाने के लिए बनाते हैं, और फिर आज हमें निकलना है दिल्ली के लिए। 9 से 10 घंटे की ड्राइव है, बाकी देखते हैं रास्ते में कितना टाइम लगता है। और अभी बीच में एक जगह भी है जहाँ पे रास्ता बंद था जब हम वापस आए थे, वो नाले की वजह से पूरा रोड जो है वो टूट गया था, तो हो सकता है वो रास्ता फिर बंद हो, अभी देखते हैं, पता करते हैं। अंडे उबल चुके हैं इसके कुकर में, अब बना रहे हैं चाय। और मतीन भी आ गया है, फ्रेश होने गया था मतीन। तो बारिश जिस चीज़ का डर था ना वो हो गया भाई, बारिश स्टार्ट हो गया है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं है पर स्टार्ट है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। अगर बारिश नहीं रुकी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और दिक्कत यह है कि हमको आज निकलना है दिल्ली के लिए, और जब तक ये बारिश बंद नहीं होगी हम पैकिंग नहीं कर सकते, हम सामान पैक नहीं कर सकते अपना, और बहुत दिक्कत है क्योंकि टेंट भी गीला पड़ा हुआ है, ये टार्प भी गीली है, प्लस बहुत सारा सामान है, बाथरूम टेंट है वो भी रखना है, वो भी गीला हुआ हुआ है। तो सब कुछ जो है ना एकदम तभी हो सकता है जब बारिश ख़त्म होगी। और मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा कोई आसार कि भाई बारिश ख़त्म होने वाली है, तो देखते हैं हम 11-12 तक का वेट करेंगे, उसके बाद मजबूरी है, किसी का वेट नहीं करेंगे, उसके बाद मजबूरी है, फिर तो हमको गीला होना पड़ेगा, सब सामान पैक करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। भाई लास्ट पैकेट बचा था दूध का, इसको भी निपटा देते हैं। वैसे मन तो है और रुकने का, लेकिन दिक्कत क्या, बारिश हो रही है, बारिश में सीन ये है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी मतीन बताएगा, मतीन को कितना और रुकना है, नहीं रुकना है, मतीन और रुकना है क्या? रुक तो जाते हैं, बट बारिश इतनी हो रही है, दिक्कत हो रही है थोड़ा, क्योंकि अब पता है क्या, गाड़ी में ही बैठे रहो, उसमें इतना, इसमें हेड रूम नहीं है ना, हेड स्पेस नहीं है, हेड रूम उसमें बार बार सर लगता है, या तो लेट जाओ या फिर बाहर आ जाओ, ये बैठने के लिए नहीं है पीछे। बाकी फुल एंजॉयमेंट कर ली, मजा आया भाई, क्या मजा आया। अभी एक बार और पूछूंगा जब निकलेंगे ना यहाँ से, और एक बार तब पूछूंगा जब घर पहुंचने वाले होंगे, है ना। सही है भाई, बारिश हो गई है। हाँ बारिश में है मजे हैं, लेकिन वही एक बार हो जाए बस, ठीक है यार, कल से परसों से हो ही रही है, परसों से बारिश ही हो रही है यार, दिमाग खराब हो रहा है। ये कुछ लकड़ियां बची हुई हैं, अभी भी सोचा था सुबह जलाएंगे, पर बारिश ही जो है नाक में दम कर दिया बारिश ने। चलो अगर बारिश होए ना, तो बारिश ही होए फिर ना, मतलब हवा ना चले, हवा चलेगी तो इधर भी बैठ नहीं पाएंगे हम यहाँ पे। भाई बारिश हो गई तेज यार, चलो कोई नहीं, चाय में उबाल आ गया। चाय पी ले जाए, दिखा दिखा। ओहो, आज हमने 2 पैकेट डाले हैं दूध के, आज स्पेशल चाय है, वो कहते हैं ना स्पेशल चाय बना दो भैया, स्पेशल
क्योंकि ये लास्ट चाय है हमारी इस ट्रिप की लास्ट चाय है, लाइफ की नहीं। मजा ही आ गया भैया। भाई चाय अपनी रेडी हो गई है, अंडे इसके इसमें रख देते हैं, इसे निकाल निकाल के खा लेंगे भाई। थोड़ा सा कुकर गंदा हो रहा है, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करी यार हमने दोनों ने, क्यों मतीन? बिल्कुल। इस बारिश में बड़ा टफ होता है कैंपिंग करना, और फिलहाल हम बारिश का ले रहे हैं फ़ायदा। जो टार्प से पानी आ रहा है उसको वाटर कूलर में ले रहे हैं अंदर, जिससे कि हम बर्तन को धो सकें, क्यों भाई? चलो, ये पानी गिर रहा है ना इसके अंदर, देखो ये टार्प से पानी टपक टपक के इसके अंदर गिर रहा है, ये देखो क्या बात है भाई, क्या बात है, चटक गए भाई, उबल गए, दो ही निकाल ले अभी, दो इसमें गर्म रहेंगे, हाँ गर्म रहेंगे पानी में, बस क्या बात है भाई। बॉइल्ड एग खाकर मजा ही आ गया कसम से, एक नंबर, गरम गरम बॉइल्ड एग, बारिश हो रही है, अमेजिंग, क्यों भाई? बिल्कुल। मुझे पता है आप लोगों का भी मन कर रहा है कैंपिंग करने का, रेन कैंपिंग खासकर। देखो हर चीज के ना प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्यों भाई? फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा सिर्फ इतना है कि दिखने में अच्छा लगता है नज़ारा, नुकसान यह है कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, एकदम ऐसे लगता है गीला गीला, चिप चिप, लैंडस्लाइड का डर होता है, ठीक है, आप रोड बंद ना हो जाए इसका डर होता है, ये नुकसान भी है। लेकिन अगर बात करें नज़ारों की, तो भाई मानसून में जो नज़ारे होते हैं ना, ग्रीनरी, उसका जवाब नहीं है, आप खुद देख लो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो सर मैगी मसाला और डाल लेते हैं यार एक्स्ट्रा, जिससे कि टेस्ट आ जाएगा और एक्स्ट्रा थोड़ा और स्पाइसी बन जाए अपनी मैगी। फाइनली अपनी मैगी रेडी है, देखो फुल पावर पहाड़ों वाली मैगी बन चुकी है। सो गाइज अभी मौसम अच्छा हुआ था और फिर से मौसम बिगड़ गया, और हमको यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में, अगर बारिश हो गई अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएंगे। तो मौसम अभी थोड़ी देर पहले ठीक हुआ था, तो अभी बारिश तो नहीं है, तो हम जल्दी से ना ये सब सामान जो है सारा सेटअप करते हैं, और सारा मतलब पैक करते हैं और गाड़ी के अंदर रखते हैं, सिर्फ लास्ट में जो चुटपुट सामान बचेगा उसको गाड़ी में रखेंगे और निकल लेंगे। तो भाई अपना सारा सेटअप वगैरह हो गया, सारा सामान वगैरह हटा दिया, तो कुछ ब्रेड बची थी, तो हम सोच रहे थे शेरू को खिला देते, इसका नाम शेरू रखा है हमने, और भाई हैवी शेर जैसा का खतरनाक, खा लेगा खा जा, क्या बात है। लो जी भाई वेजिटेरियन बना दिया हमने इसको, बढ़िया, पता नहीं कौन सी ब्रीड है, कोई पहाड़ी ब्रीड लगती है। नहीं ब्रेड बच गई थी, अब कोई काम नहीं, ख़राब ही हो जानी है तो एक दो दिन में ही है, वैसे भी घर जाते थे ख़राब हो जाएगी। तो बस ये लास्ट मील हमारा बचा हुआ है, हम अभी बना रहे पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, और फिर ये सारा सेटअप करके निकलेंगे यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो हम 12 या 12:30 तक निकल जाएंगे यहाँ से, सारा सब कुछ पैक वैक करके, और ये चुटपुट जो भी गंदगी पड़ी हुई है ना ये सब साफ़ करके जाएंगे अभी लास्ट में। ये हल्का सा जो ये प्लास्टिक का आइटम पड़ा है, ये डस्टबिन है, इसमें सब कुछ सामान डल रहा है।